लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने में असफल रही केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्णयानुसार केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं एवं गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी महंगाई मुक्ति भारत अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई के विरुद्ध आवाज तेज करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में उपस्थित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने यहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित धरने में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मनमानी करने वाली जिद्दी सरकार है, इसे आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं विफलताओं के कारण ही आज महंगाई आसमान छू रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार ने एक बार भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ाए और आज लगातार दाम बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महंगाई में झोंकने वाली भाजपा को जनता ही सबक सिखाने का काम करेगी। इस अवसर पर दुर्ग शहर के विधायक राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव की विशेष उपस्थिति के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसमें महंगाई के विरोध में संबोधन करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू, महापौर धीरज बाकलीवाल, परमजीत सिंह भुई, अजय मिश्रा, राजकुमार साहू, कल्याण सिंह ठाकुर, अब्दुल गनी सहित कांग्रेस जन थे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा व मध्य ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आम जनता का विरोध है। आज 2014 से मोदी सरकार देश में काबिज है, तब से उसने क्या विकास किया? सिर्फ महंगाई बढ़ाकर विकास किया, महंगाई का विकास किया, विकास अडानी अंबानी का किया। आज देश की जनता भुगत रही है। आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है, मध्यम वर्गीय क्लास आज बीपीएल की ओर है, बीपीएल धारी अंत्योदय की ओर, अंत्योदय के सामने भूखा मरने की स्थिति हो गई। आज देश की महंगाई चरम सीमा पे है और मोदी सरकार उसको कंट्रोल करने में अक्षम है। आज महिलाओं की गैस बढ़ाने के कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है। आज आम लोगों को परेशानी हो गई है, डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ाकर। आज किसान परेशान है, किसानों के संसाधन डीजल से जो चलते हैं वो किसान भाई परेशान है। कौन व्यक्ति इस मोदी सरकार से खुश है? हर व्यक्ति परेशान है। सिर्फ अडानी और अंबानी ही खुश है, बाबा रामदेव खुश है, अन्ना हजारे खुश है। लोग इनको सारी सुविधाएं मोदी सरकार दे रही है और ये देश की जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार पे चुप है। जनता पार्टी की सरकार के प्रति आज जबरदस्त जन आक्रोश बना हुआ है। लोग हताश, निराश और परेशान हैं। और इस बात किससे को लेकर परेशान है कि आज से 8 साल पहले केंद्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी और जिस विश्वास से चुनी थी उस विश्वास की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं उतरी है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि महंगाई 4 गुने बढ़ गई है और आसमान छू रही है, भाव छू रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल खाने की जितने भी सामान है, तेल से लेकर चना दाल, ये ऐसे इसके भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल में पड़ गया है। लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज पूरे देश में जहाँ कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, 4 चरण में कर रहे हैं, और वहीं प्रदेश में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि जिन झूठे घोषणा पत्र को लेकर वो जनता के बीच में गई थी उन घोषणा पत्र को इस सरकार ने इन 10-8 वर्षों में पूरा नहीं किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूक की रिपोर्ट।